सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की नाविक भर्ती 2022-23 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। कैसे इसके अंदर आवेदन करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, कैसे इसको आवेदन करना है, कब तक लास्ट डेट है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय लेते हैं, वीडियो को देख स्टार्ट करते बिना समय लेते हुए। सो गाइस, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर यहाँ पर रिक्वायरमेंट की जो 2022 के अंदर यहाँ पर जो आ चुकी है और 6/2022 बैच होने वाली है। बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आई है। सबसे पहले वो चीज आपको बता दें, 15 बात करें तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड नेम की हम बात करें तो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड होने वाली है, यानी कि ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की ही तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो आई हुई है ICG की तरफ से। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है 15 से 24 पोस्टों के लिए आई है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें इसके अंदर यहाँ पर नाविक GT की यानी कि जनरल ड्यूटी की यहाँ पर जो है आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। बैच संख्या की हम बात करें 0/6/2022 बैच होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर हु कैन अप्लाई, तो कौन कौन से बच्चे इसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर अप्लाई करेंगे। जेंडर की बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है और वो भी होना चाहिए, मैरिड अनमैरिड दोनों यहाँ पर चलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो होना चाहिए वो ऑनलाइन मोड होना चाहिए, यानी कि अगर आप ऑनलाइन मोड यहाँ पर जो अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे भारत के अंदर आपको कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड की जाएगी, जहां जहां इंडियन कोस्ट गार्ड की सर्विस या जो योगदान है वहां होती है, जहां स्टेट बना हुआ उनकी, जहां सेंट्रल बनी है वहीं आपको जॉब मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट का भी यहां पर लिंक दिया गया। बात करते हैं यहां पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर वैकेंसी डिटेल्स की हम बात करें तो टोटल पोस्ट 15 से 24 पोस्टों के लिए आई हुई है। पोस्ट नेम की हम बात करें तो नाविक GT की होगी, इसके अंदर DV की होगी, यांत्रिक की होगी, यानी कि तीन पोस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो पहला प्रीफरेंस नाविक DV के अंदर दे सकते हो, जिसके अंदर आप 10वीं पास पे यहां पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और भी डिटेल्स हम नीचे आपको बताएंगे। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप जनरल ड्यूटी के यानी कि GD के लिए फॉर्म अप्लाई करो तो आपको चाहिए बैचलर डिग्री, यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए और 60% मार्क्स जो है वो ऑल ओवर मिला के होना चाहिए। साथ साथ में जो है वो 10+2 लेवल का एग्जाम जो है वो आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए, वो भी किससे, मैथ्स और फिजिक्स से। अगर आप इतना सारा किए हैं तभी आप जो है वो जनरल ड्यूटी की फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इसके अंदर DV के बारे में, तो यहाँ पर जो है DV के अंदर जो है ओनली फॉर 10th पास, 10वीं में कितना परसेंट है ये सारा कुछ आपसे नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन यांत्रिक अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, यांत्रिक के अंदर तीसरा फॉर्म जो यहाँ पर जो है दिया गया, तो यांत्रिक के अंदर अगर कर रहे हो तो 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन आपको 12th पास होना चाहिए। आप 12th पास किसी भी स्ट्रीम के साथ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायो हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो है वो 50% मार्क्स होना चाहिए ऑल ओवर मिला के। बात करते हैं यहाँ पर जो है एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट जो आपका होना चाहिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है और मैक्सिमम 25 साल। अगर आप 18 से 25 के बीच बिलोंग्स करो तो यहाँ पर देख लेना और अप्लाई कर लेना बिल्कुल आसानी से। बात करते हैं इसके अंदर और भी डिटेल्स के बारे में, तो आपको जो है वो छूट मिलेगा 3 साल और 5 साल के लिए। अगर आप OBC के अंदर आते हो तो यहाँ पर 3 साल के लिए और 5 साल के लिए जो है वो ST/SC के अंदर। बात करते हैं इसके अंदर पे स्केल, यानी कि सैलरी आपको कितना मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड से आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो 41,700 पर मंथ आपको मिलेगी। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगी तो आपको जो है पेमेंट वो 51,100 रुपया से स्टार्टिंग होगी और 59,200 रुपया पर मंथ तक आपको जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फी की हम बात करें तो आपसे 250 रुपया पे करवाएगी और ST/SC से हो या फिर OBC से हो या जनरल हो, सारे बच्चों के लिए 250 रुपया यानी कि 250 रुपया यहाँ पर जो है आपको फॉर्म फी अपने अप्लाई करते समय आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप जो सबमिट कीजिएगा वो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ये सारा कुछ फी पेमेंट मोड रखी गई है। इसके अंदर नेशनलिटीज की बात करते हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए मस्ट भी। बात करते हैं इसके अंदर कैसे इसको आवेदन करना है, तो आवेदन करने का पूरा प्रोसेस दिया गया यहाँ पर। आपको जो है फोटो सिग्नेचर, ID प्रूफ में आपको जो है वो सारा कुछ आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में से कोई एक आपको देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जो है वो 12th पास पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो यांत्रिक के अंदर, तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और 10th पास पे करो तो नाविक DV के अंदर, और यहाँ पर जो आपको जो सबमिट करना पड़ेगा वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पर जो OBC के अंदर आते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जो है वो देना पड़ेगा। ये सारा डिटेल्स आपको मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है, तो 15 मई 2022 से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके। सो गाइस, 15 मई 2022 से फॉर्म जो वो स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया गया और 25 मई लास्ट डेट जो होने वाली है वो 25 मई 2022 है, ठीक है। तो 25 मई के पहले ही जो है आप आवेदन जो है वो आराम से कर सकते हो, अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा।